हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। हाँ हेलो हेलो हेलो, पहले कल वाला पूछ लेता हूँ मैं और बोर्ड कर देते हैं गायब, ताकि तुम लोग देख देख के ना बोल सको। ठीक है चलो। आहार की मात्रा अपेक्षा रखती है चरक, किसकी? अग्नि की। और वाग्भट? अग्नि द्रव्य दोनों। चरक अनुसार गुरु द्रव्य लेने चाहिए, तृप्ति तक, अति तृप्ति तक, त्रिभाग सोहित्य, अर्धभाग सोहित्य, त्रिभाग और अर्धभाग दोनों। क्या करेंगे? दोनों जवाब देना है, बारात में थोड़ी आए हो, आंसर करने सबको। वाग्भट के अनुसार गुरु द्रव्य लेने चाहिए। वाग्भट हृदय, 1/2, 1/3, दोनों, कोई नहीं, 1/2, और संग्रह आए तो 1/3 भी है ना। वाग्भट के अनुसार लघु द्रव्य लेने चाहिए, तृप्ति तक, न अति तृप्ति तक, अति सोहित्य तक, सोहित्य तक। बोलो, आंसर करो ऑनलाइन वालों। वाग्भट अनुसार न अति तृप्ति, सुश्रुत के अनुसार लघु द्रव्य लेने चाहिए, लघु द्रव्य, तृप्ति, न अति तृप्ति, सोहित्य, न अति सोहित्य, सुषुत तृप्ति तक। ठीक है, और सुषुत के अनुसार गुरु द्रव्य 1/2, 1/3 या दोनों या कोई नहीं, 1/2, क्योंकि 1/3 ओनली चरक, और चरक नहीं ऑप्शन में तो संग्रह। चलिए दो कथन बोल रहा हूं, बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्रकृति में लघु होते हुए भी आहार द्रव्य मात्र अग्नि के बल की अपेक्षा करते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, प्रकृति में गुरु होते हुए भी आहार द्रव्य अग्नि के बल की अपेक्षा करते हैं, मात्रा की अपेक्षा करते हैं। ये दोनों कथन सही है या एक कथन सही है या कोई भी सही नहीं? दोनों ही कथन क्या है? सही। लघु गुरु चाहे कुछ भी हो, अब मान लो जैसे लघु भोजन किया आपने, अब मूंग लघु है, लेकिन आपने अगर 400 ग्राम मूंग खा ली तो गड़बड़ कर देगा वो पक्का, समझ रहे हो? तो लघु हो चाहे गुरु हो, मात्रा की अपेक्षा करते हैं, और आहार की मात्रा किसकी अपेक्षा करती है? अग्नि के बल की। चलिए बताना ये द्रव्य, देखो ऑप्शन बता देता हूं पहले तो, न जातु भुक्तवानम, फिर ने उपयोजितम, ने अभ्यासेतम, ने शीलियतम और अभ्यासेतम। ये ऑप्शन है आपके, आपको इनमें से एक आंसर करना है। मैं द्रव्य का नाम बोल रहा हूं, दधि। दधि, दधि में क्या करेंगे? दधि जो है वो ने अभ्यासेत, ने शीलियत, ने जातु भुक्तवानम, या अभ्यासेत, या ने उपयोजित, क्या है बोल बाबू? बिना देखे आंसर करना ऑनलाइन वालों, क्या करेंगे? नशीलियत। चलो, बिस और सालुक, बिस और सालुक, श्लोक था पूरा, वल्लूरक शुष्क शाकानि सालुकानि बिसानि च, आगे न अभ्यासेद गौरव मास कौमा कृशम ने उपयोजित। ठीक है चलो। तंडुल, तंडुल, नहीं तंडुल क्या न जातो भुक्त्वा। चलो, यवक नशीलियत, और यवान अभ्यासित है ना। चलो 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 चलो,
ऑनलाइन वाले सही जा रहे हो ना। नेक्स्ट, सेंधो नमक अभ्यास। अब ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं या बोल देता हूं, बोर्ड ऑफ फर्ग है। मधु है, मधु है, पहला ऑप्शन है अभ्यासित, शीलित, न अभ्यासित, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभ्यासित मधु अभ्यासित, न अभ्यासित, न शीलित, उपरोक्त में से कोई नहीं, बोलो। ऑनलाइन वालों अभ्यासित, और यही क्वेश्चन है मधु की जगह मैं बोल दूं तेल है। न अभ्यासित, अभ्यासित, नेवशीलिये, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किसी में था क्या तेल? नहीं था तो आंसर नन जाए। तो मैं क्या समझा रहा हूं, वात पित्त कफ शमन के लिए तीन चीजें बेस्ट, घी, तेल, मधु। तेल के अलावा बाकी दोनों का अभ्यास कर सकते, लेकिन तेल का अभ्यास थोड़ी करना, जबकि अपन क्या कर रहे हैं अभी रूटीन लाइफ में, तेल का अभ्यास कर रहे हैं। सब्जी में तेल, सारे स्नैक्स में तेल, तो उल्टा चल रहा है। और घी खाना बहुत कम कर दिया लोगों ने, मधु तो रेयरली खाता है कोई, दूध बहुत कम कर दिया, जैसे पय है इस, सेंधव है ही नहीं अपनी प्रैक्टिस के अंदर, आंवला बहुत रेयर है। तो जो रूटीन में खाना है, मतलब जो अभ्यास योग्य है, इसका मतलब उसको कितना ही रेगुलर यूज कर लो वो कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। और जिसके बारे में कोई मत ही नहीं था उसके, उसका अपन क्या कर रहे हैं अभ्यास। चलो अब अगली बात, 1 ग्राम प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती? फोर 4.1, और फैट की 9.4, और कार्बोहाइड्रेट के, मतलब कार्ब और प्रोटीन जो है वो सेम। चलो 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 चलो, यस। चरक संहिता में स्वस्थ व्रत का वर्णन कहाँ मिलता है? चरक सूत्र 5 जो अपन पढ़ रहे हैं, कौन से चतुष्क में मिलता है? तुम स्वस्थ चतुष्क, ठीक। चरक संहिता में स्वस्थ वर्ण, स्वस्थ व्रत के वर्णन में सर्वप्रथम किसका वर्णन किया गया? अंजन। अंजन के भेद चरक कितने? 2, कौन कौन से? सोविरांजन और रसांजन। चरक अनुसार श्रेष्ठ अंजन सोविरांजन, और सुश्रुत अनुसार श्रुतांजन, ठीक। रस रतन समुच्चय के अनुसार अंजन के भेद 5, और किस आचार्य ने अंजन के 6 भेद बताए? अब क्वेश्चन चेंज माने, किस आचार्य ने? तो भूदेव मुखर्जी ने। किताब का नाम क्या था? रस जल निधि। अष्टांग संग्रह के अनुसार अंजन कितने? 4, सुश्रुत अनुसार 3, तो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हो, ठीक है। पुष्पांजन है ZNO, PBO, ZNS, PBS। पुष्पांजन है ZNO, ZNS, PBO, PBS, मतलब कि जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, या पीबी से क्या, ये लेड, लेड सल्फाइड या लेड ऑक्साइड। अब जब पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है सर ये तो याद हो ही जाएगा, लेकिन जैसे ही ऑप्शन ऐसे आए कि अरे यार जिंक तो याद था, ऑक्साइड था, सल्फाइड था, तो ZNO है पुष्पांजन, है ना, और PBS होता है। यस, ठीक। सत्य है सत्य बताना, कथन बोल रहा हूं। पहला कथन है अंजन का प्रयोग दिन में किया जा सकता है, सत्य कह सकते, कर सकते। दूसरा कथन,
तीक्ष्णांजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए, सत्य, तीक्ष्णांजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए। तीसरा, तीक्ष्णांजन का प्रयोग रात्रि में करना चाहिए, सत्य। ठीक, अंजन का प्रयोग केवल रात्रि में करना चाहिए, असत्य। तो जितना कॉन्शियसनेस के साथ अभी आंसर कर रहे हो ना कि कहीं अंजन आ रहा है, कहीं तीक्ष्णांजन आ रहा है, कहीं दिन कहीं रात, तो वहां भी इतनी बुद्धि खुली रहेगी तो ऐसे क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। नहीं तो यही क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स बनते हैं बाहर आने के बाद, मरे यार मैंने इसको तीक्ष्णांजन जगह अंजन पढ़ लिया। ठीक, चलिए, वो जो तेल चेलक वाली लाइन थी वो किन दो नेत्र कर्मों के लिए थी? तेल चेलक के समान दृष्टि प्रसादन हो जाता है आश्चेतन और अंजन के, है ना? और एक आंसर करना पड़े तो क्या करोगे? अंजन। लेकिन फर्स्ट आंसर बोथ है, अंजन प्लस आश्चेतन अगर ऑप्शन में, तो वो करना है। संहिता के श्लोक में वही लिखा है। और उसकी प्रशस्ति क्या थी? दृष्टि निराकुला भाति निर्मले नभ से इंदुवत, ऐसा लिखा हुआ था। उस लाइन का भी थोड़ा ध्यान रखो। अरे क्या हुआ, शांत कैसे हो गए? ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं आज की अंत्याक्षरी धूमपान के साथ। धूमपान के भेदों की कल बात हुई थी अपनी। चरक संहिता के अंदर जो धूमपान के लिए लिखा हुआ है, आंख बंद करके वो अष्टांग हृदय ने लिखा। इसका मतलब अगर किसी एग्जामिनर को धूमपान के बारे में कोई भी चीज पर्टिकुलर वाग्भट से पूछनी होगी तो उसे कहां से पूछनी पड़ेगी? संग्रह से। समझ पा रहे हो? हाँ, अगर कोई तुमको ये चेक करना चाह रहा है उसको पता है कि नहीं है, तो अष्टांग हृदय का नाम लेगा। तो धूमपान में अगर कोई अष्टांग हृदय बोले तो चरक को फॉलो करना, कोई वाग्भट बोले तो संग्रह को फॉलो करना। अब चरक अनुसार या हृदय के अनुसार धूमपान के भेद तीन, VSP, वैरेचनिक स्नेही प्रायोगिक, और सुश्रुत के अनुसार इसके भेद पांच। तीन तो यही, इनके नाम बदल जाते हैं, मृदु मध्य तीक्ष्ण ऐसे हो सकते हैं। दो कौन से? कासग्न और वामक। अब अष्टांग संग्रह क्या करता है? कितने भेद? छह। पांच प्लस छठा कौन सा? व्रणधूपन। अब मेरी बात सुनना, अष्टांग संग्रह ने व्रणधूपन को धूमपान के भेद में काउंट किया है, सुश्रुत ने काउंट नहीं किया। लेकिन चूंकि सुश्रुत शल्य तंत्र से संबंधित है तो उन्होंने व्रणों में धूमपान का प्रयोग किया, षष्ठी उपक्रम में भी आता है, तो उसने व्रण धूमपान के बारे में डिटेल दी है, लेकिन भेदों में सम्मिलित नहीं। ठीक, ये धूमपान की बात थी भेदों की। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं चरक के जो तीन धूमपान है उनके बारे में थोड़ा सा पहले बेसिक बता देता हूं। देखो, एक है वैरेचनिक, एक है स्नेहिक और एक है प्रायोगिक। वैरेचनिक का मतलब अत्यधिक तीक्ष्ण है, तो तीक्ष्ण होने का कारण किसका शमन करेगा? कफ का। स्नेहिक किसका शमन करेगा? वात शामक। ठीक, लेकिन जो प्रायोगिक है वो दोनों काम करता है, वात और कफ दोनों का शमन करता है। और अगर धूमपान के बारे में सोचा जाए तो धूमपान कभी भी पित्त शामक नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? वात कफ का शामक हो सकता है। तो आइडियली जब धूमपान के भेदों की बात चल रही है और आपको ये नहीं समझ आ रहा हो कि ये कौन से भेद के लिए बोल रहा है, तो आपको ये समझना है कौन से के लिए बोल रहा है? प्रायोगिक, क्योंकि इन दोनों का काम करता है। तो प्रायोगिक धूम के लिए संहिता में सिर्फ धूमपान शब्द आएगा बार बार, वहां आपको क्या समझना है कि धूमपान है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? प्रायोगिक वाले। जैसे अपना जो आज का श्लोक शुरू हो रहा है वो हो रहा है धूमवर्ति का निर्माण और प्रयोग विधि, इसका मतलब कौन से धूम की बात कर रहा है? प्रायोगिक धूम। और इसके जो द्रव्य होंगे वो वात कफ शामक होंगे। अब देखिए, यहां जो द्रव्य उनको रटने की जरूरत नहीं है, जो कुछ खास द्रव्य है, जैसे पहली लाइन के लास्ट लिखा है गुग्गुल, अगरू,
शर्कर, ये तीनों ही द्रव्य जब इनको गर्म किया जाता है तो दो काम करते हैं। एक तो इनकी जो औषधीय गुण है वो तो है ही, ये बाइंडिंग एजेंट का काम भी करते हैं, क्योंकि वर्ती है तो सिगरेट जैसी बनेगी। आगे देखोगे तो नेग्रोद, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष, लोद्र ऐसे लिखे हुए। इन द्रव्यों को ध्यान से देखो, ये संधान्य द्रव्यों जैसे द्रव्य, स्तंभक द्रव्यों जैसे द्रव्य, तो ये भी उसको क्या देंगे, हार्डनेस। थोड़ा सा आगे चलो क्या लिखा, सर्जरस मिला, ये निर्यास गोंद है, ये भी बाइंडिंग का काम करेंगे। थोड़ा सा नीचे चलो लिखा श्रीवेष्टक, शल्लकी, इनके भी निर्यास, ये भी बाइंडिंग एजेंट है। इन सब के लिए बोल रहा है, उपरोक्त द्रव्य जो दिए हुए उन सबको एक साथ मिला के पीस लो। अब आप इमेजिन करो कि गोंद लिया और चूर्ण लिया और उनको मिक्स करके पीसा, तो गुथे हुए गेहूं के आटे जैसा बन गया ये, है सेमी सॉलिड टाइप का। और ये बोल रहा है उसके बाद में, लिम्पेत च ईशी काम वर्ती यव सन्निभाम। अब इधर देखो, ये ईशी का मतलब लकड़ी का टुकड़ा, डंठल। अब ये कह रहा है ये जो पेस्ट है ना, इसको इतने पार्ट पर, मतलब शुरू और एंड का थोड़ा थोड़ा पार्ट छोड़ दो, बाकी के पार्ट पर, बीच वाले इस पूरे भाग पर लपेट दो, फिर सुखा दिया। अब वाग्भट कहता है ऐसे कर करके 5 बार लपेटो, तो वाग्भट के अनुसार कितनी बार लेप, 5 बार। एक बार किया सूखा, फिर किया फिर सूखा, ऐसे करते रहे। अब सुनना बात को गौर से, ये जो धूमवर्ती बनेगी इसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, यव जैसे। अब सुनना, जैसी इसी का मैंने बनाई है, अगर वैसी धूमवर्ती, अगर वैसी इसी का होगी तो धूमवर्ती यव आकृति की हो ही नहीं सकती, फिर तो धूमवर्ती सिगरेट जैसी होगी, ऐसी जैसी इसी का है वैसी धूमवर्ती बन जाएगी। और इसके बीच में ये एरिया खाली रहेगा जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये वाला, क्योंकि यहां पहले लकड़ी डली हुई थी। तो वास्तव में इसी का जो शेप होती है वो कैसी होती है, इधर देख, ये उल्टा सुल्टा बन रहा, इधर देखना, अपने को यह आकृति की बनानी है। अब ये यहां से ऐसी है और इसके स्लोप के अकॉर्डिंग क्या बनेगी, धूमवर्ती। तो बेसिकली जो धूमवर्ती है ना, उसकी साइज भी कैसी बनेगी, ऐसी। इसका क्या फायदा, उसकी अपन बात बाद में करें। अब जो ये बीच में इसका ये जो छेद दिख रहा है ना आपको, ये छेद क्यों रहा, क्योंकि बीच में क्या डाल रखी थी, लकड़ी इसी का। अब ये यव आकृति की धूमवर्ती बन गई, यही लिखा हुआ इसने कि पीसो, लेप कर दो इसी का पे, और यव आकृति की मतलब शेप कैसी होनी चाहिए, यव जैसे। मोटाई की बात करते, अंगुष्ठ संहिता कुर्याद अष्ट अंगुल समावेशक। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं धूमवर्ती की, धूमवर्ती यव आकृति अंगुष्ठ मोटाई और 8 अंगुल लंबाई। क्लियर है, ये तो लिखा इसने। आगे देखो, ये लिख लो पहले जल्दी से, यह आकृति अंगुष्ठ मोटाई 8 अंगुल लंबाई, ये धूमवर्ती की बात हो रही, ठीक है। इधर देखो, अब जब ये सूख जाए वर्ती प्रॉपर, तो इसको धूम नेत्र से जोड़ देंगे,
स्नेहात्म अग्नि संप्लुष्टाम पिबेत प्रायोगिकी सुखाम। लास्ट में इसने बोल दिया ना कौन से धूमपान की बात कर रहा हूं, प्रायोगिक। और सूखने के बाद में भी ये चांस है कि टूट सकती है, तो इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दो, स्नेह लगा दो, उससे सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर ये इजीली ब्रेक नहीं होगी। समझ आ रही बात? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ोगे तो सुश्रुत की एक लाइन है विमर्श। सुश्रुत लिख दिया कुष्ठ तगर वर्जिर। सुश्रुत प्रायोगिक धूमपान के अंदर जो द्रव्य लिए उसमें कुष्ठ और तग्र इनका वर्जित वर्जन कर। प्लस जो ईसी का ले रहा है वो कितने अंगुल की ले रहा है? 12 अंगुल। जो लकड़ी ले रहा है सरकांड की वो कितने अंगुल की? 12। सोमेणम अष्ट अंगुलम लेपियत। अब इधर देखो सुश्रुत ने क्या किया, सुश्रुत कह रहा है जो आप डंठल लो ना लकड़ी का उसकी टोटल लंबाई कितनी होनी चाहिए? 12। तो इसकी कुल लंबाई यहां से यहां कितनी है? 12। अब आपको कितने अंगुल पर बनानी है धूमवर्ती? 8 पर। तो 2 अंगुल इधर छोड़ दो, 2 अंगुल इधर छोड़ दो, और इस वाले एरिया पे जो मैंने मार्क करा है इस पर ही लेप करना। और सुश्रुत कह रहे हैं कि आप पहले इस पर कपड़ा लपेट, उसके बाद चूर्ण लपेट, इसका क्या फायदा होगा? जब तुम ईसीका को निकालोगे ना तो उसकी जो रफ सरफेस है उसके अंदर चूर्ण और ये बाइंडिंग एजेंट और सूखेंगे, चिपक जाएंगे, ज्यादा कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। लेकिन कपड़ा अगर लगा होगा तो ये एजेंट डायरेक्ट कनेक्ट ही नहीं होंगे किससे? उस लकड़ी के डंठल से, तो इजीली उसको निकाल पाओगे। ये सुश्रुत कह रहे, ठीक इसी के ऊपर लिखा है वाग्भट के अनुसार पंचकृतम प्रलेपित। कितनी बार लेप करना है एक धूमवर्ती निर्माण के लिए? 5। ठीक। अब इधर देखो चरक हृदय या सुश्रुत कुछ भी है, 12 अंगुल की लकड़ी और 8 अंगुल पर लेप, यही है। लेकिन तुम्हें पता है कि कुछ तो बात होगी, अष्टांग संग्रह या वाग्भट से पूछे तो 9 अंगुल पर लेप कर। मतलब यह हुआ कि चरक और सुश्रुत की धूमवर्ती की लंबाई 8 अंगुल है जबकि संग्रह की 9 अंगुल। अब क्या कंसेप्ट है धूमवर्ती का और कैसे इसका यूज होता है एक बार देखना, मैं आपको धूम यंत्र बना के बता देता हूं। देखिए ये पूरा जो आपको ब्लैक कलर में स्ट्रक्चर दिख रहा है वो धूम यंत्र है, ठीक है। ये इसका स्टैंड है, मतलब ये सरफेस पे टिका हुआ है नीचे, ठीक। इसके ऊपर यूं समझो एक बड़ा सा पाइप जैसा है, उसके बीच में एक जाली लगी हुई है और फिर ऊपर से वो ऐसे बंद हुक्का देखा है ना वैसे। अब जहां पर ये कनेक्ट हो रहा है पाइप, इससे चरक कहते हैं या आयुर्वेद कहते हैं कि इसी जगह पर क्या लगा दो? धूमवर्ती। जाली हटाई, जैसे गुग्गुल नहीं जलाते हो, मोटा वाला गुग्गुल आता ना, उसकी तरह आगे से बत्ती जलाई, जैसे धुआं देने लगा
उसको जाली हटा के और उस पाइप वाली जगह जो होल्डर का सॉकेट है वहां फिक्स कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर के बीच में आपको पता है सेंटर में खाली है ये धूमवर्ती, तो जब कोई यहां से शक करेगा इसको, तो ऊपर जाली इसलिए रखी, खुला इसलिए रखा कि खींचने के लिए, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हवा तो आनी चाहिए, और ये जो धुआं खींचने के बाद में इससे निकलेगा, एक तो ये ऊपर जाता है, बाकी धुआं रन करता है इधर जो खींच रहा उसको। बात सुनना, अब मुझे आप ये बताओ कि अगर पाइप की लेंथ छोटी हो और उस कंडीशन में धुआं आपको तेज आएगा कि कम आएगा? पाइप की लेंथ छोटी है ना, तो धुआं तेज आएगा ना। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी जो पाइप बना रहा है उसको, पाइप बन रखा है उसको देख लो, और अब मैं आपको ये पाइप है ना इसको एक्सटेंड कर देता हूं, ये अब क्यों हुआ ऐसा? ये धुआं इस पाइप में टकरा टकराते आएगा, एक इसका टेम्परेचर, पाइप जितना लंबा होगा उतना ही कम होता जाएगा, बहुत सारे धुएं के पार्टिकल इस पाइप की दीवार, क्योंकि इसके अंदर गैसेज ऐसी तो मूव करेगी ऐसे, तो कितनी बार टकरा के आएगी सोचो, तो बहुत सारे पार्टिकल पीछे रह जाए। इसका मतलब तीक्ष्ण धूम या वैरेचनिक धूम में पाइप की लंबाई स्नेहिक और प्रायोगिक की तुलना में कम या ज्यादा? तीक्ष्ण या वैरेचनिक धूम की पाइप प्रायोगिक और स्नेहिक के कंपेयर में कम होगी कि ज्यादा? कम। क्लियर है? बस अगर ये समझ में आ गया तो एक बार मैं लिख देता हूं, क्या आप लोगों का स्टेटमेंट है कि वैरेचनिक धूम नेत्र की लंबाई बाकी दोनों से कम होगी ना, ठीक है? बाकी दो का कंपेयर कर नहीं रहा मैं, टू वर्सेस वन कर रहा हूं, ठीक? बस इतना काफी मेरे, धूमवर्ती यहां लग गई और अब जिसको पिलाना हो उसको पिला देना। अब ये जो पाइप है ना, इसके लिए एक शब्द आता है त्रिकोश, मतलब ये जो पाइप है इसमें तीन फोल्ड होने चाहिए, जैसे मान लो इधर ही ओके से जुड़ी हुई है, तो एक दो तीन, और उसके बाद में पीने वाले के पास पहुंचे वो। ये जो पाइप है इसमें कम से कम कितने फोल्ड होने चाहिए? तीन। इन त्रिकोश को अपन और क्या बोल सकते हैं? त्रिपर्व। ये किसकी क्वालिटी हुई? धूम नेत्र की। पूरा यंत्र धूम यंत्र, जो होल्डर के अंदर मेडिकेटेड सिगरेट लगती है वो धूमवर्ती, धूमवर्ती से जो पाइप कनेक्ट है उसको धूम नेत्र, ठीक है? और तीव्र वाले में धूम नेत्र की लंबाई कम बाकी में ज्यादा, ऐसा होगा? और ये जो धूम नेत्र, इसमें कितने पोर होने, मतलब कितनी जगह से ये मुड़ा होना चाहिए? तीन जगह से। अभी तक इतना ही पढ़ा आपने, अब आगे प्रायोगिक धूम नेत्र की वो धूमवर्ती आपने बना ली, और चरक अनुसार धूमपान तीन तरह के, तो यहां स्नेहिक की धूमवर्ती के द्रव्य दे दिए या वैरेचनी के धूमवर्ती दे। स्नेहिक वाली में स्नेह पड़े रहेंगे, जैसे स्टार्टिंग देखो, वसा, घृत, मधुचिष्ट, मधुचिष्ट मतलब मोम है ना, वैक्स, फिर उसके बाद में शिरो वैरेचनिक, किससे शुरू हो रहा है? श्वेता ज्योतिषमती है ना, और शिरो विरेचन याद करो, मूलिनी फलिनी, श्वेता ज्योतिषमती। आगे देखो हरताल और मनेशिला, बहुत तीक्ष्ण है, इनके अंदर आर्सेनिक पॉइजन है, ठीक? ये द्रव्य प्रयोग किए जाए, ठीक? विमर्श में लिखे हैं नत कुष्ठ आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब नत किसको बोलते हैं? तगर। नत किसका प्रिया है? तगर का। और सुश्रुत ने कह दिया था ना कि तगर कुष्ठ नहीं लेना चाहिए,
और कुष्ठ का प्रयोग प्रायोगिक धूम्रपान में नहीं करें। क्यों नहीं करें? एआर टाइप का क्वेश्चन बने तो आंसर ये है, मस्तुलुंग का श्राव कर देता है। मस्तुलुंग का मतलब वैसे तो सीएसएफ है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये जो कुष्ठ और तगर है ना, बहुत ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण है, तो अगर आपने इनका प्रयोग किया तो हेमरेज हो सकता है, समझ रहे हो? तो हेमरेज होने का मतलब लीकेज ही हुआ। अब हेमरेज होगा वो सीएसएफ वाले एरिया के आसपास तो होगा, तो उसको बोल दिया इसने मस्तुलुंग स्राव। तो एआर टाइप का अगर क्वेश्चन आए, मतलब ए दे दिया कि नत कुष्ठ या फिर कहते तगर कुष्ठ प्रायोगिक धूम्रपान में प्रयोग नहीं किए जाते, रीजन मस्तुलुंग स्राव, तो सही बात है, आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। ठीक है, विमर्श फिर वही बात, एला आदि नाम तगर कुष्ठ वर्जीन से लिखते। चलिए, मैंने आपको जब आप थोड़े दिन पहले आपका एडमिशन हुआ था और आप यूकेजी एलकेजी में थे, तब एक लाइन बताई थी, चरक सूत्र दूम, गौरवम शीर्ष शूलम पीन से अर्धा भेद, किसके लिए? शिरोविरेचन। शिरोविरेचन किसको कहते हैं? वैरेचनिक नस्य। और मैंने ये भी कहा था यही लाइन और कहां आएगी, धूम्रपान, ये धूम्रपान के लाभ पढ़ रहे हैं अपन, और धूम्रपान बेसिकली वात कफ का शामक है, और जितनी भी कफज व्याधियां होती है उनकी एक ही मैकेनिज्म है कि कफ बढ़ा उसने वात का मार्ग रोका और वो वात कफज में कन्वर्ट, इसीलिए अपर रेस्पिरेटरी कह दो, ऊरु जत्रुगत कह दो, सिर कान नाक इनके रोग कह दो, अधिकतर मामलों में ये वात कफज ही होता है, और इन सब पे काम कर रहा है कौन? धूम्रपान। गौरवम सिर से सूलम, सिर का भारी होना, सिर में दर्द होना, पीनस प्रतिशय अर्धा भेदक माइग्रेन। दूसरी लाइन देखो, कर्ण अक्षी शूलम काश इक्का श्वास गल ग्रह दंत दौर्बल्य श्रोत्र घ्राण अक्षी दोष, जब सारे वही रोग है। आगे देखो, पूती घ्राण अस्य गंधश्च दंत शूलम, मिला? अभी तक गुरुदांग में चल रहे, अनुमन्या ग्रह मिला। थोड़ा सा आगे चलो, गल शुंडी उपजीवा खालित्य पिंजरत्वम च केशा नाम च पतनम, तो गल शुंडी उपजी का मुख रोग है, ये वाली लाइन फेमस, खालित्यम पिंजरत्वम च केशा नाम पतनम, किसकी प्रशस्ति है? और ऑप्शन में आएगा सिर पर तेल धारण, और आंसर जाएगा धूम्रपान। डी फॉर डॉन, डॉन नहीं, डी फॉर डायरी। अगली लाइन देखो, नैच वात कफात्मनो बलिनो अपि ऊर्ध्व जत्रुजा, डी फॉर डायरी। क्या कह रहा है? ऐसा कोई वात कफज ऊर्ध्व जत्रुगत रोग नहीं है जिसको धूम्रपान ठीक ना कर सके। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रायोगिक धूम्रपान के काल, सीधा क्वेश्चन आए तो सीधा जवाब, कितने होते हैं? आठ। प्रायोगिक धूम्रपान काल कितने? आठ। देखो, अपने शरीर में सिर कितने? एक। नेत्र कितने? दो। नासा छिद्र कितने? दो। समझ पा रहे हो? अब इससे मैं आपको क्या याद करवा रहा हूं, धूम्रपान के आठ काल याद करवा रहा हूं। एक, पहला लिखा सिर, सिर से क्या लिखूं? सिरे स्नान, आयुर्वेद में स्नान और सिरे स्नान अलग है, मतलब अगर आप सिर में पानी डालो तो ही वो सिरे स्नान है। नेत्र से दो, कौन कौन से बोल? नेत्र से अंजन और निद्रा। नासा से दो, बता कौन से? नस्य और छींक।
मतलब सिरे स्नान करने के बाद, अंजन करने के बाद, निद्रा लेके उठने के बाद, नस्य करने के बाद, छींक आने के बाद क्या करना चाहिए? धूमपान। ये टोटल कितने हो गए? पांच। तीन मुख से संबंधित, बताना जरा कौन कौन से। एक मैं लिख रहा हूं दातुन, दूसरा भी लिख देता हूं भोजन, भोजन था क्या, और तीसरा भी लिख देता हूं वमन। वमन, भोजन और दांत। अब दातुन करने के बाद और क्या चल रहा है ये लेग के ऊपर? हेलो हेलो, स्ट्रीम प्रॉपर चल रही है ना? हेलो हेलो, कहीं वीडियो वगैरह पॉज थोड़ी हो रहा बालक? हेलो, ठीक है ना? ठीक। अब सुनो, तो आठ धूमपान के जो काल है उसमें एक सिर से, दो नेत्र से, तीन नासा से बच गए, वो सारे तीन किससे? मुख से। इन सब के बाद में क्या करना चाहिए? धूमपान क्यों करना चाहिए उसकी बात करेंगे। पहले पढ़ते हैं प्रायोगिक धूमपान। लिखा तस्य अष्टौ काल, कितने काल है? आठ। दूसरी लाइन कारण बता रहे, वात्श्लेष्मा सम उत्क्लेशम कालेषु ही लक्षते। विशेष रूप से वात और कफ का उत्क्लेश इन आठ कालों में होता है, इसलिए इन आठ कालों में क्या करवाना चाहिए? प्रायोगिक धूमपान। स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्यम, शुत्वा दंता निघृष्यम, नावनम अंजनम निद्रांते च आत्मानम धूमपो भवेत। मिला? तो समुल्लिख्य मतलब वमन के बारे में, शुत्वा मतलब छींक, दातुन, नावन मतलब, नावन किसे कहते हैं? नस्य, अंजन और निद्र। आगे उसी लाइन को रिपीट किया जो पहले लिखी थी, तथा वात कफात्पनो ने भवन्ते ऊर्ध्वजत्रु। धूमपान का सेवन इन आठ कालों में करने से ऊर्ध्वजत्रुगत वात कफज रोग नहीं होता। नीचे लिखा है इस प्रायोगिक धूम को एक बार में तीन तीन घूंट पीना चाहिए। ये नीचे लिखा है ना, त्रियस्य त्रियस या त्रैत। तो वैसे तो कोई सवाल नहीं है ऐसा आने लायक, पूछेगा तो ये पूछेगा कि कितने काल होते हैं? आठ। कौन 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 सा इंक्लूडेड है, कौन सा नहीं है, वो भी तुम कर दो। फिर भी पूछ ले कि प्रायोगिक धूमपान में एक बार में कितने घूंट पीने चाहिए? कितने? तीन। नेक्स्ट, कौन सा धूम कितनी बार पीना चाहिए? सुनिएगा, ये थोड़ी अलग बात। अब प्रायोगिक धूमपान के कुल काल कितने हो गए? आठ। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जिस दिन छींक लोगे उसी दिन अंजन भी लिया होगा, नस्य भी लिया होगा। ये तो टोटल काल बताए उसने। एक दिन में किस धूमपान के कितने काल होते हैं उसकी तो अलग थ्योरम होगी ना। तो उसके लिए आचार्य लिखते हैं परम द्विकाल पाई शादम एनम कालेषु बुद्धिमान। ये आठ जो काल है इन कालों में से प्रायोगिक धूम दिन में केवल दो ही बार देना है। अगर तुमने सुबह दांतुन के टाइम कर लिया है तो भोजन के टाइम कर सकते हो, अगर उस दिन नस्य लिया तो नस्य में। ऐसा नहीं है कि उस दिन उठे तो फिर धूम ले लिया, एक दिन में 8-8 बार लोगे तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रायोगिक धूम केवल कितनी बार? दो बार। फिर लिखा है स्नेह केतु एकम, और स्नेह ओनली एक बार। वेरेचेत्री चतु पीबे, तो वेरेचनिक तीन से चार। अब इसको अपने ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों ने इन कालों के बारे में लिखा। इस ट्रिक को अपन प्यार से कहते हैं विप्रास, वी प्रा स। ये याद रहना बहुत जरूरी है कि विप्रास वाली ट्रिक धूमपान के काल की, ठीक। वी से वैरेचनिक, प्रा से प्रायोगिक, स से स्नेह, ये इसका मीनिंग है। अब इस टेबल को अभी मैंने बना दिया है,
अगर इस टेबल को याद करना तो आप लोग ऐसे बनाना, देखो मैं वापस बना के दिखा रहा हूं। वी प्रा स, ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैं सबसे पहले ले रहा हूं चरक, ये चरक, तो आप स्टार्ट करें यहां से, 1, 2, 3 एंड 4। इसका मीन्स पहले टेबल जो है यहां से स्टार्ट हुई और किधर जा रही है, इधर, ठीक है। दूसरा सुश्रुत, देखो जरा सुश्रुत क्या कहता है। सुश्रुत की टेबल आपको यहीं से स्टार्ट करनी, जहां ये चरक की खत्म हो रही है, 3, 4 और 5। आगे बात समझ, इसका मतलब यहां से अपन इस पॉइंट से यहां आए, अब यहां से एरो वापस किधर जा रहा है, इधर। अब आते हैं वाग्भट अंकल के पास। वाग्भट अंकल की टेबल वापस इधर से शुरू होती है, 5, 8, 11, मतलब जहां सुश्रुत की खत्म हुई वहीं से वाग्भट की शुरू, 5, 8, 11। चरक संहिता के अंदर जो धूम्रपान के काल दिए उनकी टोटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले बता दिए टोटल 8 होते, लेकिन सुश्रुत और वाग्भट में टोटल का लफड़ा है, अतः सुश्रुत के अनुसार धूम्रपान के कुल काल कितने हो गए, और वाग्भट के अनुसार कुल काल कितने हो गए। और आप सब समझदार हैं, धूम्रपान के संदर्भ में मैं जब भी वाग्भट बोलूं, मतलब संग्रह, और हृदय अगर कोई पूछे तो आंसर किससे करना है, चरक। तो ये वाली जो टेबल है इसमें वाग्भट भैया वापस किधर चलते हैं, इधर। अब आप इसको ध्यान से देखो, राइट टू लेफ्ट चलिए पहले, फिर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलिए ना, और आगे वाली भी वापस किधर चली है, लेफ्ट टू राइट। और नंबर बहुत इजी है, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 8, 11। गलती इसलिए नहीं हो सकती कि टोटल याद है तुमको सुश्रुत वाग्भट का, जोड़ोगे तो 12 और 24 नहीं आएगा, इसका मतलब डिजिट में गलती है। अब जैसे 2015 में राजस्थान का एग्जाम था पीजी का, उसमें क्वेश्चन आया था कि अष्टांग संग्रह के अनुसार स्नेक धूम्रपान ने कितने काल, कितने, 11। अब इस टेबल को आप जैसे ये बना रखिए वैसे चाहें तो नोट कर सकते, जो मैंने अभी नीचे बनाई वही टेबल है, लेकिन ये प्रॉपर वैसे बना रखिए। यस, चरक के तो 8 हो गए ना, चरक के अगर कुल काल पूछे तो 8, लेकिन चरक में इनका जोड़ नहीं आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो क्या किया, अलग से कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने कहा जो वैरचनिक स्नेक प्रायोगिक है ना उनके टोटल जोड़ दो, वही टोटल है। चरक ने स्पेसिफाई किया कि टोटल तो 8 होते हैं, स्नेक 1 बार पीना है, प्रायोगिक 2 बार पीना है, वैरचनिक 3 से 4 बार पी सकते, ठीक। नेक्स्ट, सम्यक धूम्रपान का फल क्या मिले, देखो जरा क्या मिले, ये हृदय कंठ इंद्रिय में शुद्धि लघुत्तम शीर्षम। जब से धूम्रपान पड़ रहे हैं सिर भारी है, सिर में दर्द है, अर्धाव भेद गौरवम शीर्ष शूलम पीन समर्धाव भेद, तो सिर हो गया एकदम हल्का और सिर के रोगों का हो गया समन, सिर की हो गई शुद्धि, हृदय कंठ इंद्रिय इनकी भी शुद्धि और इनमें भी क्या हो गई लघुत्तम, तो ऊर्ध्वांगी तो है ये बेसिकली, ठीक। आगे बढ़ते, अकाल धूम्रपान के उपद्रव, राजस्थान पीजी 2015 में एक अगला जो क्वेश्चन है वो यहां से आया, और क्वेश्चन ठीक नहीं था, मतलब ठीक तरह से नहीं था, इसी का एक श्लोक और आएगा उससे, है ना। अभी के लिए देखो, अकाल धूम्रपान अति धूम्रपान, पहली बात आचार्य चरक ने अति पीत और अकाल पीत के उपद्रव एक साथ ही बताया, मतलब अति योग भी वही है और जो गिवन टाइम है उसमें नहीं पियोगे उन 8 कालों में तो भी वही हो, क्या होगा, बाधिर्यम आंध्यम मूकत्वम रक्त पित्तम शिरोभ्रम। मेरी बात सुनना, धूम्रपान की वजह से जहां जहां फायदा हो रहा था वही वही नुकसान होगा, बाधिर्य कान से सुनाई नहीं देना,
अंधे आंख से दिखाई नहीं देना, मुखोत्तम वोकल कॉर्ड से बोल नहीं पा रहा, रक्त पित्त ऊर्ध्वांगों से ब्लीडिंग हो जाना, सिर शुद्ध हो रहा था, लघु हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे हैं, सिरोग्र में अकाल और अतिपीत के ये क्या है? उपद्रव। नेक्स्ट। अब अगर ये उपद्रव है तो इनकी चिकित्सा भी करनी पड़ेगी। इनकी चिकित्सा का जो सूत्र दिया वो ये है, मेरी बात को गौर से सुनना पहले। अगर मैं कहूं कि धूम्रपान का अतियोग हो गया, क्या लगता है कौन सा दोष बड़ा होगा? पित्त, क्योंकि वात कफ को तो एक्सट्रीमली कम कर दिया अतियोग होने के बाद, तो ये पित्त वृद्धि की अवस्था है। अब एकल दोष के हिसाब से सोचे तो ये पित्त वृद्धि है, लेकिन अत्यधिक धूम्रपान की वजह से वात की वृद्धि हो सकती है। दोष है धातु क्षय वाली, तो ये अगर शरीर में से ज्यादा चीजें बाहर निकलेगी तो धातु क्षय जन्य वात का प्रकोप होगा, तो ऐसी कंडीशन में वात और पित्त का भी कॉम्बो बन सकता है। समझ पा रहे हो? ये बड़ी हुई वात कफ से अवरुद्ध हो जाए तो ऐसी कंडीशन में यह भी माना जा सकता है कि पित्त के साथ कफ अवरोधित हो गया और वात और कफ को भूल भी जाए, केवल रक्त पित्त को याद करें कि ब्लीडिंग हो गई अत्यधिक धूम्रपान के कारण, तो रक्त पित्त को पित्त हो। अब मेजर कंडीशन तीन हो सकती है अति पीत से या अकाल पीत से, या तो वात पित्त बढ़ेंगे, पित्त तो पक्का बढ़ेगा, या तो वात पित्त बढ़ेंगे या वात कफ बढ़ेंगे, और चौथा दोष रक्त है। एक ही कॉम्बो बन सकता है अगर डबल डबल वाला हम चले पित्त के साथ, तो रक्त पित्त। वात पित्त वृद्धि में केवल घी का प्रयोग करना चाहिए, घी स्नेह है इसलिए वात का शमन करेगा और घी शीतल है इसलिए पित्त का शमन करेगा। रक्त पित्त की वृद्धि हो जाए या रक्त पित्त कुपित हो जाए तो यहां पर एक्सट्रीम शीतलता चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम उष्णता हो गई तो घी वैसे तो ठंडा है लेकिन उसको और ज्यादा शीतल द्रव्यों से सिद्ध कर दो तो पित्त और रक्त का क्या हो जाएगा? शमन। नेक्स्ट, कप पित्त। चूंकि घी स्निग्ध है और अपने को यहां घी चाहिए पित्त के शमन के लिए, अगर किसी तरह से घी की स्निग्धता कम कर दे तो इसका मतलब कौन से द्रव्य मिलाने पड़ेंगे? रुक्ष द्रव्य। तो कप पिताधिक में रुक्ष द्रव्यों से सिद्ध ग्रत का प्रयोग करना चाहिए। इस श्लोक को पढ़ोगे तो थोड़ी देर हवाई नहीं लगेगी क्या ही, लेकिन इस तरह से पहले लिख लेना पास और फिर पढ़ना। अब मैं पढ़ा रहा हूं समझ आएगा। देखो, तत्र इष्टम सर्पी पानम नावनम अंजनम तर्पणम स्नेही के धूमजे दोषे वायु पित्तानुगोयति। वात पैतिक दोषों के प्रकोप में सर्पी का पान नावन अंजन तर्पण, मतलब ओनली सर्पी का यूज। आगे, शीतम तु रक्त पित्ते शात, और घी को और ज्यादा ठंडा कर लो रक्त पित्त अगर कुपित हो तो। श्लेषम पित्ते विरुक्षणम, और घी को रुक्ष द्रव्यों से सिद्ध कर लो अगर उसमें पित्त में कफ का संयोग। आई बात समझ? नेक्स्ट, किसमें? समझा नहीं कैसे? वात वाले में कह रहा है घृत को स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध करो, जैसे मधुर द्रव्य है ना, वैसे। मतलब अगर आपको करना पड़े ना तो वात पैतिक में स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध घृत, लेकिन स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध घृत क्या? घृत के अंदर ऑलरेडी स्निग्धता है, तो मजबूरी में वैसे तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मधुर लवण तीनों स्निग्ध रस होते हैं उन द्रव्यों से। अब किन लोगों को धूम्रपान नहीं करना चाहिए? लिखो वाग्भट के अनुसार, वाग्भट के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक धूम्रपान वर्जित, अठारह वर्ष की आयु तक धूम्रपान वर्जित है। ये धूम्रपान है, धूम्रपान नहीं है, धूम्रपान तंबाकू वाले।
लेकिन धूम्रपान भी गवर्नमेंट के अनुसार 18 वर्ष की आयु से कम बच्चों के लिए तो दुकान वाला भी नहीं दे सकता, बेचना ही मना। तो 18 से 18 याद रख लेना, सेम चीजें अलग। अब उन लोगों को पढ़ते हैं जिनमें धूम्रपान नहीं करते। मैं आपको एक बड़ी बड़ी सी पिक्चर बता देता हूं। देखो वो सारे लोग जो डिहाइड्रेशन में है, दूसरा जिनके शरीर में उष्णता बढ़ी हुई है, या यूं कह दें जिनके शरीर में द्रवांश और सौम्यांश या शीतलता कम है, उन सब में इसको नहीं देना है, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, उष्णता बढ़ा देगा, ब्लीडिंग करवा देगा, तो एनीमिया वाले में देना ही नहीं, मर जाएगा वो तो। वीक आदमी उसको नहीं देना। अब मैं एक एक बता रहा हूं सुनना। पहली लाइन के अंदर मैंने मिडिल में मार्क करा न वृत्तम पिबेद धूम, और आगे लिखा न कृतम बस्ती कर्मणि। अब मजेदार बात सुनना, पंचकर्म में नस से आता है, नस के बाद धूमपान करना है, पंचकर्म में वमन आता है, वमन के बाद धूमपान करना है, और उनके कारण भी दिए हुए कि उत्क्लेशित कफ जो होता है बचा हुआ, जो गले वगैरह में कुछ चिपका हुआ उसके शमन का काम करता है। लेकिन आचार्य ने विरेचन और बस्ती के लिए लिख दिया कि आप ऐसा नहीं हो कि आप बोलो कि आचार्य ने कुछ बोला ही नहीं। विरेचन और बस्ती मतलब जैसे धूमपान शब्द प्रायोगिक के लिए यूज होता है, वैसे ही बस्ती शब्द कौन सी बस्ती के लिए? अगर निरु के लिए, निरु बस्ती के लिए, लेखन शोधन बस्ती के लिए, है ना? पर आप ध्यान से सोचो, जो काम विरेचन करता है वही काम तो शोधन बस्ती करती है, लोअर जीआई में से दोषों को नीचे वाले मार्गों से निकालती। हाँ उसका प्रभाव अलग है कि विरेचन पित्त को भी लेके आता है और बस्ती वात पर डोमिनेंटली काम करती है। तो विरेचन के बाद भी डिहाइड्रेशन है, शोधन बस्ती के बाद भी क्या है, डिहाइड्रेशन। आ रही बात समझ में? अगला देखो, न रक्ति न विषार्थ न च गर्भिणी। मिला, गर्भिणी में एनीमिया है, रक्त के रोगों से पीड़ित, विष विष उष्णता से बढ़ेगा क्योंकि अग्नि समान होता है, पावकोपम हम बोलते हैं उसको। अगली लाइन देखो, न श्रमे न मदे न पित्ते न प्रजागरे। थका हुआ आदमी है पहले डिहाइड्रेशन में, मदमूर्छा संन्यास पढ़ेंगे अपन विधि शौनित्य में, तो इन तीनों रोगों में रक्त का इन्वॉल्वमेंट होता है, पैतिक रोगों में भी नहीं, न प्रजागरे जिसने रात्रि जागरण किया उसको भी नहीं। ठीक, अगली लाइन, न मूर्छा न भ्रम न तृष्णा, तीनों ही पैतिक रोग है, आप आगे पढ़ेंगे समझ पाएंगे। न मद्य दुग्धे पीत्वा च न च स्नेहम न च माक्षिकम। मिला, जिन लोगों ने दारू पी रखी है, जिन्होंने दूध पी रखा है, जिन्होंने स्नेह पी रखा है, जिन्होंने मधु ले रखा है, उनको भी ये नहीं देना है, समझना। दारू उष्ण, मधु उष्ण, स्नेह मतलब तेल माने तो उष्ण। ठीक, और एक लिखा दुग्ध, दुग्ध अगर किसी ने पिया है तो शीतलता के लिए पिया है। अब तुम धूमपान दोगे तो दुग्ध जन्य शीतलता तो नष्ट होगी ना, तो पर्पज ही हट गया उसका। आगे देखो नेक्स्ट लाइन, न शंख के न रोहिण्या न मेहे न मदात। इस लाइन को डायरी में लिखना, धूमपान के अयोग्य। अब सुनो, संखक और रोहिणी में आपको पढ़ाऊंगा आगे, तब समझ आ जाएंगे। मेह और मदात्य बता देता हूं, मेह मतलब प्रमेह, डिहाइड्रेशन में तो रहता है, पोलीयूरिया रहता है, इसको बार बार प्यास लगती है, और मदात्य वाले के अंदर पित्त की वजह से शरीर में रुक्षता और उष्णता बढ़ी हुई होती है, क्रॉनिक एल्कोहलिक लीवर डिजीज जिसको अपन बोलते हैं, वो मदात्य। इन लोगों को धूमपान नहीं देना। अब एक तरीका तो यह है कि आप आंख बंद करो और याद करो, विरेचन में नहीं देते हैं, बस्ती में नहीं देते हैं, उसमें नहीं देते हैं, इसमें नहीं देते, तो एक धूमपान याद कर लोगे, आगे ऐसी सोच ही जाएगी क्या क्या याद रख। एक तरीका है कि आप इस कंसेप्ट को समझो, हाइपोवोलिमिक है, डिहाइड्रेशन में है, शरीर में उष्णता ज्यादा है, द्रवता और शीतलता कम, तो उन सभी रोगियों के अंदर
जो रुक्ष उष्ण इन गुणों से पीड़ित है उनमें धूमपान नहीं करवाना है, पित्त जो रक्तज रोगों में नहीं करवाना है, विष मद्य मदात्य में नहीं करवाना, मधु जिसने लिया नहीं करवाना, ऐसे तरीके से याद रखोगे तो रटना नहीं पड़ेगा भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते, सत्य है सत्य मान सकते, कहता है कि अगर सिर घ्राण और अक्षि में दोष हो तो नासिका से धूमपान कर, ठीक, और अगर कंठगत दोष हो तो मुख से धूमपान करे। अब इनको देखो, सिर घ्राण अक्षि बराबर नासिका, और कंठस्थ में किससे? मुख से। पीने की बात हो रही है, वापिस किधर से निकालना इसकी बात नहीं हो रही, वापिस तो एक ही रास्ता है धुआं निकालने का, कौन सा? मुख से। नाक से धुआं कभी नहीं निकालना, क्यों? क्योंकि जो धूम लिया अंदर वो क्या है, हॉट गैसेस है, जब वो लौट के आएगी फास्ट तो भी उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा होगा, उस कंडीशन में आप देखना कभी भी जब गैस गर्म होती तो ऊपर उठती है, जैसे आपने बैलून देखा होगा कि बैलून के नीचे आग लगाते हैं फिर उसमें चेयर लगा के आदमी बैठ जाता है और उसकी हीट की वजह से बैलून ऊपर उड़ता रहता है। अरे ये आप लोग वो जलाते हो ना दिवाली वगैरह पे भी, जो मोमबत्ती जलाई और वो बैलून सा होता है वो उसकी गर्मी से, तो वो एक्चुअली ऊपर कौन उठ रही है, उस गर्मी की वजह से गैसेस गर्म हो रही है तो वो पूरा एपरेटस ऊपर जा रहा है। तो अब ये जो धुआं है नासिका से निकलेगा ये किधर जाएगा? ऊपर नेत्र, क्योंकि नाक के ऊपर कौन आंख है, तो खराब कर देगा। क्या लिखता है? अशेन धूम कवलान पीबे घ्राणान ने उद्भवे, तो साफ लिख दिया नाक से धुएं का वमन नहीं करना है, ठीक, क्यों? प्रतिलोमो गतो आशु धूमो इंस्याद चक्षुषी, ऊपर की दिशा में या विपरीत दिशा में गया हुआ ये धुआं किसको नष्ट कर देता है? नेत्र। तो ए धूमपान मुख व नासा दोनों से किया जा सकता है, लेकिन धूम का वमन मुख से करना चाहिए नासा से नहीं करना चाहिए, ये ए है। आर, क्योंकि नासा से वमन करने पर धूम नेत्र की शक्ति का हास करता है या नेत्र की शक्ति को नष्ट करता है, तो एक जो है उसका ये करेक्ट रीजन है। आगे बात समझ, नेक्स्ट आगे देख, मतलब जो हुक्के वाली वो पाइप है ना, जो हुक्के वाली पाइप, उससे मुंह में पकड़ के भी खींच सकते हो और नाक में डाल के भी खींच सकते हो, लेकिन वापस धुआं किससे निकालना है? मुंह से। अब मुंह से तो आप सक्शन क्रिएट कर लोगे, नाक में डाल के अगर खींचोगे तो ये वाला तो खुला पड़ा है तो वैक्यूम में क्रिएट नहीं होगा, जैसे एक नाक बंद होती है तो दूसरे सांस आराम से आती रहती है, क्योंकि सेप्टा या आके ही तो बाइफर्केट होता है, ऊपर तो कॉमन पाथ है, तो इस नाक को बंद करना है, पाइप को इस नाक में डालना और फिर खींचना नासिका से। अब लिखता, अगर आप नासिका से धूमपान करें तो कैसे करें? सिंपल है कि नासिका का एक छिद्र बंद करके और वही 3 बार कितनी घूंट पीनी? 3। नेक्स्ट, आज की अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, धूम नेत्र की लंबाई। आप लोगों ने जो बताया वही लिख रहा, मुझे नहीं पता, चरक को नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत। आपने कहा था वैरेचनिक धूम नेत्र की लंबाई सबसे क्या होगी? कम, यही बोला था आपने, ये तो बोला था। अब चरक के 3 धूम्रभेद है, वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, इनमें तो कंपेयर कर रहे थे अपन, बाकी किसी की बात नहीं करी थी मैंने। वैरेचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक है VSP, और याद रखना है कि ये किसकी ट्रिक है? धूम नेत्र की लंबाई। और याद रखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस आप लोगों का ही है कि वैरेचनिक धूम की लेंथ सबसे कम होगी, तो सबसे पहले वी तो आएगा अगर कम से ज्यादा की तरफ चलेंगे तो, वैरेचनिक आएगा ना। अब सुनना आगे,
दूसरे नंबर पर स्नेहिक और तीसरे पर प्रायोगिक। अगर धूम्रपान के काल याद करने हो तो विप्रास ही रखना, उसको वीपीएस वगैरह मत करना अपनी बुद्धि से। मैं पागल नहीं हूं, वरना ट्रिक तो मैं दोनों हिंदी या दोनों इंग्लिश में बना देता, डिफरेंशिएट करने के लिए कि लेंथ धूम नेत्र की वीएसपी से और धूम्रपान के काल विप्रास। ठीक है, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, उनको बोला 2 मिनट में। तो वैरेचनिक स्नेहिक प्रायोगिक, वैरेचनिक 24, स्नेहिक 32, प्रायोगिक 36। 12 का पहाड़ा सबको आता होगा, 12 बार दुने 24, बार 36, ऐसे होता है। अब मैं तुमसे कहूं कि प्रायोगिक धूम नेत्र की लंबाई वैरेचनिक की कितनी गुना, कितनी गुना है? 1.5 गुना। ऐसा आंसर हो सकता है। तो चरक या हृदय के अनुसार वैरेचनिक स्नेहिक प्रायोगिक 24 32 36। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार 24 32 48 और अष्टांग संग्रह या वाग्भट से 24 32 40। एक बार के लिए आप ये नोट करना, मैं एक ही सेकंड में आ रहा हूं, ये नोट करो। जब
यस लिखा। तो सुश्रुत चरक वाग्भट या चरक सुश्रुत वाग्भट, चरक 24 32 36, सुश्रुत 24 32 48। ध्यान से देखो, वैरचनिक स्नेक सबके एक ही, मतलब वैरजनिक स्नेक से कोई क्वेश्चन आए आचार्य मैटर नहीं करते। वैरजनिक आया 24, स्नेक आ गया 32, प्रायोगिक आया तो सोचना। तो जब मैंने शुरू शुरू में इसको पढ़ा था तब जैसे तुम्हारी तरह याद करता था 24 32 36, 24 32 48, 24 32 40। फिर मैंने इन दोनों को हटाई दिया, 24 32 चरक 36, मतलब वी एस हट गया मेरे लिए, पी से शुरू किया, 24 32 चरक का 36 हो गया, सुश्रुत 48 वाग्भट 40। अब मैंने ऐसा क्यों किया उसका कारण बता देता हूं। 36 48 40 है ये, और कभी कभार जब बुद्धि खराब होती है तो नीचे वाले डिजिट चेंज हो जाते। तो ये जरूर याद रखना है कि सुश्रुत अंकल की 48 है। चौबीस बत्तीस 48, 24 32 40। ठीक, अब आगे की बात करते हैं। आचार्य चरक ने कासग्न धूम को धूम के भेदों में नहीं माना, किंतु कास चिकित्सा में धूमपान का जब निर्देश किया तो वहां लिखा 8 से 10 अंगुल। और यही मजेदार बात हृदय ने करी थी, उसने भी नहीं माना भेदों में, लेकिन कहा चिकित्सा, उसने भी डिट्टो क्या लिखा, 8 से 10। इसीलिए मैं कहता हूं कि हृदय बोले तो ब्लाइंड चरक करने, उसने चिकित्सा तक उत्तर स्थान तक चरक को, चरक से अलग नहीं गया हृदय। अब आते हैं सुश्रुत, कासग्न वामक सुश्रुत के दो बचते हैं 16 16, वाग्भट ने 16 16 के स्थान पे 10 10, और प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, वाग्भट कम ही चल रहा है। अगर 16 10 में भी कंफ्यूजन हो तो जहां 48 है उसी रो में 16 16, ज्यादा वाले में ज्यादा और वाग्भट वाले में 10 10। आगे सुनना, संग्रह ने वृण धूप को माना और उसके कितने भेद, वो कितने अंगुल लंबाई बताई, 8 अंगुल। सुश्रुत ने भेदों में नहीं माना लेकिन व्रण चिकित्सा में व्रण धूपन हेतु धूम नेत्री लंबाई कितनी मानी, 8। इसका मतलब एक और चीज कंफर्म हो गई कि कोई सा भी आचार्य बोले, चाहे सुश्रुत चाहे वाग्भट, व्रण धूपन तो कितना है, 8। ध्यान से सोचा जाए तो सिर्फ प्रायोगिक एक ही है जिसको याद करना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं आप सुनना, देखना कुछ मत, चरक 24 32 36, सुश्रुत 24 32 48, 16 16, और अगला भेद में नहीं मानता लेकिन 8, वाग्भट संग्रह 24 32 कॉमन है, 40, 10 10। आगे बात समझो, ये धूम नेत्र की लंबाई है और इसको इसी क्रम से याद करना है जरूर से। अब जो अभी अपन ने पढ़ा था वही सब कुछ यहां लिखा हुआ, जैसे चतुर्विशंति के नेत्र स्व अंगुली भीर विरेचने, तो वी बराबर 24 चरक, द्वात्रिंशद अंगुल स्नेह एस बराबर कितना 32, प्रयोगे अधि अर्धम इष्यते प्रायोगिक डेढ़ गुना, मतलब 24 इंटू ये कितना 36। तो तुम्हारी ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर रहा था कि उसने पूछ लिया कितना गुना, तो क्योंकि श्लोक में गुना दिया हुआ कि डेढ़ गुना वैरचनिक से होता है प्रायोगिक धूम नेत्र, तो अपने आप कितना हो गया 36। आगे लिख दिया आगे लिखा रिज्जु त्रिकोष फलन वितम, कितने उसके अंदर पोर्स होने चाहिए, 3 बोला था मैंने अभी,
इसकी टीका कर दी चक्रपाणि ने, और स्त्री कोष को चक्रपाणि ने क्या बोला, त्रिपर्व। अब तक वो सब पढ़ रहे थे जो पहले बता दिया था, सिर्फ एक बात अभी नई है, कोल अस्थि अग्र प्रमाणित। इस धूम नेत्र का आगे वाला भाग कौन सा होगा, जो पिएंगे, जो हाथ में पकड़ के जिससे आग्रहण करेंगे पिएंगे, कितना, कोलास्थि अग्र। बस्ति नेत्र सम द्रव्य धूम नेत्रम प्रशस्यते सत्य कथन है, कि जिन द्रव्यों से बस्ति नेत्र कैथेटर जो होता है वो बनता है, वही द्रव्य वही पाइप। अब हुक्के का पाइप किससे बनता है, प्लास्टिक रबड़ इनसे, और वही कैथेटर का पाइप, तो बस्ति नेत्र के द्रव्यों से ही क्या बनेगा, धूम नेत्र। बस इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का कल।